इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है, जहां प्रत्याशी जनसंपर्क के साथ नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं वार्ड क्रमांक 32 से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज चौहान भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। प्रत्याशी जनता की समस्याएं सुन मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी पंकज चौहान को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है। चुनावों का दौर है, निगम के चुनाव चल रहे हैं और सभी लोग बहुत बड़े उत्साह के साथ इसमें लगे हुए हैं। हर पार्टी का अपना दावा है, उनके उम्मीदवारों के अपनी उम्मीदें हैं। वे क्यों हैं हम जानते हैं। इस समय हम वार्ड 32 में पंकज चौहान जी के पास हैं, जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। पंकज जी, आप ये बताइए कि आपको जीत की उम्मीद किस प्रकार है। मुझे यहाँ पर मुझे पूरा परिवार के साथ मुझे अच्छा अनुभव है और जो मेरे यहाँ पे क्षेत्र की जनता है जिसे जल की बहुत समस्या है, यहाँ पर जो 20 सालों से यहाँ पर 22 साल से बीजेपी का राज है और वो बात करते हैं विकास की, विकास तो यहाँ की जनता बता रही है कि विकास क्या हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर बचपन से पढ़ा भला हूँ और मुझे हर गली का ऐसा वो है कि यहाँ पर जल की बहुत समस्या है, ना पानी की व्यवस्था है, ना नर्मदा की व्यवस्था है, ना ड्रेनेज की व्यवस्था है। यहाँ पर ये सबके लिए मुझे ऐसा विश्वास दिलाता हूँ यहाँ पर, और ड्रेनेज की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करूंगा और जो मूलभूत जो सुविधा होती है, जैसा राशन की समस्या होती है, वृद्धाओं की पेंशन भी चालू नहीं हुई यहाँ पर अभी तक, ये सब सारी समस्याओं के लिए निगरण करेंगे। यानी कोई आप एक स्थायी रूप से यहाँ कोई अपना दफ्तर कार्यालय रेगुलर लोगों से जनता के संपर्क के लिए बनाए रखेंगे। यहाँ पर टोल फ्री नंबर रहेगा 24 घंटे, जो मेरे परिवार के लिए रहेगा पूरे। ये मेरा वार्ड नहीं है, मेरा पूरा परिवार है जिनकी मैं सेवा करने के लिए तत्पर खड़ा रहूंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघु परमार जी ये हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि वे क्या स्थिति देखते हैं इस समय चुनावों की। देखिए, नगर निगम चुनाव जो रहता है वो अपनों का रहता है, मैं समझता हूँ कि स्थानीय लोगों का रहता है और स्थानीय लोग वो रहते हैं कि जो दिन रात जनता के बीच में उठते बैठते हैं, जनता की सेवा करते हैं। ये चुनाव रहता है कि हमारे यहाँ की सड़क साफ रहे, हमारे ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं हो, ओवरफ्लो नहीं हो, नलों में गंदा पानी नहीं आए, रेगुलर पानी आए, स्ट्रीट लाइटें बराबर चले और नक्शे में भ्रष्टाचार नहीं हो, नगर निगम से संबंधित जितने भी कार्य रहते हैं, राशन की पर्ची बने, राशन कार्ड बने, राशन वितरण हो, ये सब चीज़ों के लिए हम एक हमारा प्रतिनिधि चुनते हैं और उसके लिए एक स्थानीय व्यक्ति में समझता हूँ सबसे ज़्यादा उपयोगी रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बाहर का परदेसीपुरा का एक बड़े नेता को यहाँ आके लड़ाया है और मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करता हूँ कि बड़ा नेता आपको अपने ऑफिस में बुलाएगा काम के लिए, वो आपके बीच में नहीं आएगा। आप हमारे युवा और ऊर्जावान पंकज को चुनिए, नए बच्चे को चुनोगे तो नए व्यक्ति में ऊर्जा रहती है, जनसेवा की भावना रहती है। इसी को मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र की जनता इस बार पंकज चौहान को चुनेगी। साथ में हमारा जो महापौर का उम्मीदवार है संजय शुक्ला, वो जनसेवक है, वो कोई वकील नहीं है। उसने कभी, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उनने आज तक एक कील सुई बराबर भी जनसेवा नहीं की होगी। संजय शुक्ला ने कोविड कार्यकाल में पूरे इंदौर शहर ने देखा कि कितनी सेवाएं की, ऑक्सीजन मशीन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, बेड, शवों को दाह करने के में मदद की। ऐसे व्यक्ति जो जनसेवा करता है, ये जनसेवा का है, ये हमारा अपना शहर का चुनाव है, तो मैं जनता से, शहर की जनता से अपील करता हूँ कि महापौर के लिए संजय शुक्ला को चुनिए और वार्ड क्रमांक 32 के लिए हमारे युवा ऊर्जावान साथी पंकज चौहान को चुनिए। धन्यवाद। जय हिंद। पंकज चौहान जिंदाबाद। पंकज भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।